नमस्कार मित्रों, कोरोना से प्रभावित होकर आज हमारे सबके बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। अब जब ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो हमें उनको मोबाइल या कंप्यूटर देने पड़ते हैं। अब जब मोबाइल से वो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर हम सबको चिंता रहती है कि बच्चे मोबाइल का यूज़ करके ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से सही नहीं है। तो ये चिंता हमें हमेशा रहती है कि वो मोबाइल में क्या करता है। तो आज हम देखेंगे कि मोबाइल में कैसे दो सिंपल सेटिंग्स करके हम निश्चिंत हो पाए कि हमारे बच्चे कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। वेलकम टू टेक टॉक बाय नयन शाह। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे तीन लाइन है, वहाँ पे क्लिक करना है और उसमें सेटिंग्स ऑप्शन पे जाना है। अब जब सेटिंग्स ऑप्शन में जाएंगे और बराबर नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा पेरेंटल कंट्रोल्स, जो अभी ऑफ है। नॉर्मली ये ऑफ रहता है, हम उस पर क्लिक करेंगे और हम उसको ऑन करेंगे। तो ये पेरेंटल कंट्रोल का आइकॉन है बाजू में, वो बटन को हम क्लिक करेंगे ऑन करने के लिए। मगर ऑन करने के लिए वो एक पासवर्ड, एक पिन बनाने को बोल रहा है। ये पिन जो आप बना रहे हैं वो अपने तक ही रखिए, किसी को मत बताइए, खास करके अपने बच्चों को या घर के किसी और सदस्य को ना बताइए। तो आप एक पिन बना लीजिए जो आप याद रख पाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 7878। ओके पे क्लिक कीजिए, वो आपको दूसरी बार सेम पिन डालने को बोलेगा, तो 7878। ओके पे क्लिक किया तो हमने पिन सेट कर दिया। अब हम तीन सेटिंग्स कर सकते हैं, ऐप्स और गेम्स के लिए, फिल्म्स के लिए और म्यूज़िक के लिए। सबसे पहले हम ऐप्स और गेम्स पे जाते हैं तो आप देख पाते हैं कि अभी ऑप्शन ऐसा है कि बच्चा कोई भी प्रकार की गेम और कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकता है जो उसकी उम्र के हिसाब से सही ना हो। हम उसको कंट्रोल करेंगे और यहाँ तक 12 तक, रेटेड फॉर 12+, यहाँ तक रखेंगे। या तो आपको 7+ रखना है तो वो भी रख सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप रख पाते हैं। सेव बटन पे क्लिक कीजिए तो ये गेम और एप्स के लिए कंट्रोल हो गया। दूसरा जो सेटिंग्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है फिल्म्स। तो हम फिल्म से क्लिक करेंगे, आप देख पाते हैं कि अभी तो कोई भी टाइप की फिल्म वो देख सकते हैं, मगर हमें उनको कंट्रोल करना है और फिल्म्स को हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। तो हम उसको मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव यू पे ही सिलेक्ट करेंगे, ओके क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। म्यूज़िक के लिए हमें कोई कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो म्यूज़िक में भी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, मगर म्यूज़िक में कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत ऐसे नहीं है। तो ये हो गया हमारे प्ले स्टोर से सेटिंग्स। बाहर निकलते हैं, दूसरा सेटिंग्स हमें करना है यूट्यूब में। तो हम यूट्यूब खोलते हैं। यूट्यूब में जो हमारा आइकॉन है राइट हैंड साइड पे, उस पर क्लिक करते हैं और उसमें भी सेटिंग्स ऑप्शन में जाते हैं। सेटिंग्स ऑप्शन खुलेगा तो सबसे ऊपर आपको जनरल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। अब इस जनरल ऑप्शन में सबसे नीचे एक ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टेड मोड, जो अभी ऑफ है। तो मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बच्चा यूट्यूब में किसी भी टाइप का वीडियो सर्च करके देख सकता है। तो हमें इसको रिस्ट्रिक्टेड मोड को ऑन करना है, तो यहाँ पे ऑन कर दिया और फिर बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, ये दो सेटिंग्स आपको अपने मोबाइल में करने हैं और प्लीज़ ये सेटिंग्स जल्द से ही कर ले। ये वीडियो अगर आपका बच्चा देख रहा है तो उसको भी मालूम हो जाएगा कि कैसे सेटिंग करना है और कैसे सेटिंग को चेंज करना है। मगर जो पिन डाला है आपने, वो पिन इसीलिए आप किसी को मत बताना क्योंकि वो पिन का यूज़ करके वो सेटिंग चेंज कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव सेफ सर्फिंग ऑनलाइन एंड सेफ लर्निंग।